तो वो बोल रही थी हॉर्न काय को मारा, दिल तो मेरा किया शीशा नीचे करके जवाब दे दूं कि गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ ना जाए इस वजह से हॉर्न मारा था, एंड ऊपर से गाड़ी का नंबर पंजाब का है तो चढ़ भी जल्दी जाती है ये। इतनी मिट्टी यार, इतनी मिट्टी यार, यहाँ पे ना रोड बन रहा है उस वजह से ना इतनी मिट्टी। सो हेलो गाइस, गुड अपने आफ्टरनून या इवनिंग कह लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। आज यार आप आज यार बहुत अजीब काम हो गया, पता क्या हो गया। पहले तो 11 बजे की मीटिंग थी, मेरे को व्हाट्सएप पे वो ही नहीं आया, क्या नाम है, नोटिफिकेशन ही नहीं आई। ठीक है, मैं बाहर से ही फ़ोन चेक कर लेता होता हूँ, फिर मेरे को होता है कि यार चल अंदर क्यों ही जाना है ना। फिर मैंने 11:30 देखा, कोई लिंक नहीं आया हुआ था भाई, ऐसे ऐसे करके आज मेरी क्लास ही मिस हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जी मैं लव स्कूल देखना, मेरे को किसी ने क्लिप भेजा लव स्कूल का, और मेरा मन किया कि यार चल लव स्कूल देखते हैं। भाई मैं लव स्कूल देखने लग गया, मतलब कितनी यादें ताज़ा हो गई यार, और कुछ मेरे को ट्रेनिंग नहीं थी कि रियलिटी शोज कैसे होते हैं, क्या नहीं होता है सिस्टम, तो वो सब मैं देखने लग गया। आप सब जाओ इंस्टाग्राम पे, मैंने रील भी डाली है, एक झलक सी डाली है, मैं कहा चल डाल देते हैं यार, अच्छा सा लग रहा था सिस्टम है ना। रही बात कमेंट कमुंट लाइक लुइक कर दिया करो, ठीक है ना, उससे क्या पता सिस्टम आपको समझ आ जाएगा कि यार आपके लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तेल ख़त्म हो गया है, फुल करानी पड़ेगी। सो बस अभी निकल रहा हूँ जिम की तरफ। प्लान मैं आज कुछ नहीं बोलने वाला, फिर जब मैं बोलता हूँ कोई प्लान बनता ही नहीं है। रही बात गाइस 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 रही बात बम्बई की, तो देखो सपना भी अपना ही है और स्ट्रगल भी अपनी ही है। मतलब यार रोड पे दुनिया चल रही है, ऐसे चल रही है जैसे जैसे मतलब रोड उनकी, भाई कार आ रही है, हॉर्न मार रहा हूँ, हॉर्न को देख ले। कल रात भी ऐसे ही हुआ, मैं यहाँ से दही लेके निकला और मैंने हॉर्न मारा कि यार गाड़ी निकलने लगी है ना, 3 लड़कियाँ पास हो रही थी, तो मतलब मेरे को शीशे में सुन गया, तो वो बोल रही थी हॉर्न काय को मारा, दिल तो मेरा किया शीशा नीचे करके जवाब दे दूं कि गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ ना जाए इस वजह से हॉर्न मारा था, एंड ऊपर से गाड़ी का नंबर पंजाब का है तो चढ़ भी जल्दी जाती है ये। तो फिर मेरा दिल करता है कि छोड़ो यार, क्या ही बोलना है, क्या ही, शांत रहो जितना शांत रह सकते हो, है ना गाइस। बस स्ट्रगल तो बहुत है, आपको पता ही है ना। मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि जाके बॉम्बे जा, वहाँ पे कुछ कर, ये मेरा ही स्टैंड था, मेरा ही सब कुछ है, तो स्ट्रगल भी मेरी ही होगी, सब कुछ होगी। काश मैं तब व्लॉगिंग करता होता और आप सबको दिखाता कि मैं कहाँ कहाँ पे रहा हूँ, कैसे कैसे जिया हूँ, क्या क्या खाया है ना। मतलब एक दिन में नहीं बना यार ये सब, आज भगवान ने जितनी भी पहचान दी है, मतलब मेरे लिए तो बहुत हजारों गुना ऊपर ही पहचान है, क्योंकि यार नोबडी से समबडी बन जाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। इंस्टा नहीं तब चलाना आता था, इतना पता था फोटोएं डालते हैं, ना फॉलोइंग की गेम पता है ना फलाना। और देखो तब की मेरी फॉलोइंग भी उतनी ही है, ना मैंने बढ़ाई है ना मैंने कुछ करी, मेरे को मैटर ही नहीं करता। जब रोड पे चलता हूँ ना तो बोलते ना माधव भाई आप लव स्कूल से, मैं कहा हाँ ये है मेरी कमाई है यार। फॉलोअर तो पैसे दे के भी बहुत बंदे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही मैंने सिस्टम यूट्यूब पे भी रखा है कि यार नकली काम नहीं करना, फेक नहीं काम करना, जितने बढ़े अपनी मेहनत से बढ़े, अपने सिस्टम से बढ़े, है ना। चाहे एक एक बेशक अब हिसाब लगा लो, एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है ना, तो वो रियल है, जेन्युइन है, एंड उससे मेरे को वॉच आवर आता है ना। अब फेक बढ़ा लूंगा, दिखने को तो वो सब्सक्राइबर लगेंगे है ना, लेकिन आपका वॉच आवर नहीं आएगा,
इन फ्यूचर आपका मोनेटाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी, जो बंदे भी मतलब व्लॉगिंग करने के करना चाहते हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं कि यार एक ऐसे फेम लेना चाहते हैं, यार ऐसे फेम कभी किसी को नहीं मिला और जिसको मिला है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि जो फेम है ये इसको हजम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे साथ भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं एक ही गल कहूँगा, मैं अपनी लाइन विचो या जितया या सीखिया, मतलब हारा कभी नहीं, है ना। और रील मैंने एक और देखी थी अपने मनोज वाजपेयी की, कि मुझे मनुष्य नहीं हरा सकता, स्थितियां नहीं हरा सकती, सिर्फ भगवान हरा सकता है। तो मतलब इस तरह की विल पावर, इस तरह का जज्बा जुनून लेके इंसान को बंबई शहर में आना पड़ता है। भाई मैं बोल रहा हूँ ये, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भाई, जो सज्जन, जो लड़कियां आना चाहती हैं बॉम्बे में स्ट्रगल करने, आओ। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन इट टेक्स अ लॉट। कब काम करते करते आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, कब काम करते करते आपको घर की याद आने लग जाती है। मेरे को सभी बोलते थे कि तू यार सारा राजपाट छोड़ के जा रहा है बंबई में, है ना, क्या होगा तेरा वहां, क्या नहीं होगा। सिर्फ खुद पे भरोसा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल मेरे दिमाग में आता था, भगवान राम भी तो 14 साल के वनवास में गए थे ना, ही ऑल्सो केम बैक विद फ्लाइंग कलर्स और दुनिया में मिसाल कायम कर दी यार। अगर वो राजपाट पे बैठ जाते तो दुनिया में मिसाल नहीं कायम कर पाते वो, है ना। यही विधि का विधान है, और मैं ऊपर वाले की करनी पे कभी भी शक नहीं करता। जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, जो करेगा बढ़िया करेगा, जो हुआ है वो भी बढ़िया हुआ है, जो होगा वो भी बढ़िया ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब सिस्टम नहीं है। मैं बताता हूँ अब क्या होगा, कि इंसान बोल रहे होंगे कि यार बिजनेस है आपका सबका है। यार मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस 10 हों, है ना। एक बिजनेस पे कौन सर्वाइव कर सका है यार। ये तो हमें लॉकडाउन ने सिखा ही दिया ना, लॉकडाउन ने हमें तो सिखा ही दिया कि यार एक बिजनेस पे कौन सर्वाइव कर सका है। मैं तो कहता हूँ 10 बिजनेस हो। और यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा नहीं, मैं बोलूँगा मेरे अंदर एक्टिंग की बीमारी है यार। और बीमारी को जब तक हम ठीक नहीं कर लेते ना, तब तक हम ना दवाइयां खानी बंद करते हैं, ना अपना चेकअप करवाना बंद करते हैं, ना हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ते हैं। तो ये बंबई मेरा हॉस्पिटल है, और जो एक्टिंग है वो मेरी बीमारी है, और मैं इसमें रोज अपना चेकअप करा रहा हूँ, रोज सब कुछ कर रहा हूँ। और ऐसे भी नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। इट्स जस्ट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग बिग। और ऐसे नहीं है कि आई एम होपिंग कि ऐसे होगा, मतलब नो वरीज अबाउट इट। बातें भी चल रही हैं, बहुत कुछ सिस्टम हो रहा है, लेकिन डिले हो रहा है। मैं तो भगवान का इतना शुक्र करता हूँ, अच्छा हो रहा है कि डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ही विल गिव मी द बेस्ट। एंड जो इस जर्नी में मुझे उन्होंने इंसान बना दिया ना, शायद मैं 2018 या 19 में मेरे पास ट्रिपल चौपल फेम आ जाता, मैं शायद उसको हैंडल नहीं कर पाता। मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अभी भी सीखना और बाकी है, सीख रहा हूँ बढ़िया तरीके से, दीन दुनिया से लेसन्स ले रहा हूँ, फिर जाके मेरा सिस्टम बढ़िया हो रहा है, है ना। तो मैं आप सबको कहूँगा कि यार मेहनत करो, बस अपने माँ बाप के साथ सही रहो। क्योंकि बीच में मैं भी बागी हो गया था, नहीं सुनता था माँ बाप की, लेकिन एट द एंड पता चला कि यार माँ बाप ही सब कुछ हैं, इनके बिना आप नहीं चल सकते। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं ना हिल सकता, ऐसे माँ बाप की मर्जी के बिना बच्चा भी नहीं हिल सकता यार। वो चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। बस भगवान की इतनी कृपा है कि यार जब पैसे नहीं हुआ करते थे, पापा सपोर्ट करते थे, एंड मेरा भी बेटा होगा तो मैं उसको मरते दम तक सपोर्ट करूंगा, जब तक वो अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया बन नहीं जाता और उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं आता। सब कुछ बढ़िया हो गया है, आई एम जस्ट वेटिंग कि यार कैंटड़ा काम हो जाए हूं, है ना। आज की बातें बहुत ज्यादा हो गई, इतना लंबी बातें, चलो कर लेनी चाहिए यार। मतलब मैं आपको हमेशा कट टू कट चीजें दिखाता हूं, मेरे को होता है कि यार पब्लिक बोर ना हो जाए, लेकिन ये सब करना भी जरूरी है कि यार मैं चाहता हूँ कि यार आप मेरे व्लॉग में आओ, कुछ ना कुछ सीखो भी। इन्जॉयमेंट तो यार अपनी चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होनी, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा, इन्जॉयमेंट मेरी कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होगी, मैं चाहता हूँ। लेकिन जितने भी मेरे साथ बंदे, मेरी फैमिली, मेरे जितने बंदे भी मेरे साथ जुड़े, मेरे से कुछ ना कुछ सीख लें वो, क्योंकि मैं इन चीज़ों से पिसा हूं ना। मैं चाहता हूं कि आप सब देख लें। और एक बात सिद्धू के गाने में थी, बापू दियां मेहनता फीचर फॉर फेम ले, मतलब मेहनत उन्हीं की है यार।
उन्होंने ही चलना सिखाया है, उन्होंने ही करना सिखाया है, उन्होंने ही दुनियादारी जीनी सिखाई है। उनके बिना हम क्या थे? इंसान कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। जो भी इंसान मेरे को बोलता है ना कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद की कमाई एंड ये, यू नो, पहले मेरे को होता था कि हाँ खुद की पहचान, खुद की कमाई, खुद की, नहीं यार, यू आर नथिंग विदाउट योर पेरेंट्स। यार मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो सारी उम्र डिपेंडेंट रहना चाहता हूँ यार। मतलब मैं तो सिस्टम क्या ही बताऊँ, मैं तो बस घर वालों का साथ है ना, उससे बड़ी लग्जरी, उससे बड़ी अमीरी, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है यार। ये एहसास आप चीजें घर पे रह के नहीं करते कभी भी, ये हमेशा घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर जाके आपको एहसास होता है कि आपके पेरेंट्स क्या हैं, आपका घर आपके लिए क्या है। जहां पे आप सिर्फ बोलते हो यार ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब यू नो, एक अनजान शहर आपको सब कुछ सिखाता है, जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज आपको नहीं सिखा सकती, एक अनजान शहर आपको सब कुछ सिखा सकता है यार। अगर तो आपके अंदर दिल में कुछ है कि कुछ बनना है, तो जिगरा लेके आना कि यहाँ पे सब कुछ सहना पड़ेगा, फेक बंदों से लेके, गलत बंदों से लेके। मैं कह रहा हूँ क्या क्या उम्मीदें टूटती हैं भाई, मैं बता ही नहीं सकता। मेरे से मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं, मैंने इसलिए बचा के रखी हुई है कि ताकि मेरी इंटरव्यू होगी कल को, मेरे पास मसाला हो पब्लिक को बताने के लिए। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले आप हो, इंटरव्यू न जाने कब हो, इस साल हो, अगले साल हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब तैयार रहें। और वीडियो स्किप मत करना, जरूर देखना, क्योंकि ऐसी नहीं है कि मैं कुछ हवा में बातें कर रहा हूँ, मेरे पे खुद पे बीती हुई है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, और आप भी कहीं ना कहीं मेरे से रिलेट करोगे। आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, लेकिन अगर ये पूरा मेरा व्लॉग देख लोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि यार माधव भाई ने वो बातें कही थी, यार बिल्कुल सच है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ट्रेन हो, डरे ना हम भाई, कोई समय ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंसान खुश रहे, कोई समय ऐसा नहीं होता कि हर एक वक्त इंसान दुखी रहे, कोई समय ऐसा नहीं होता कि इंसान हमेशा टॉप पे रहे, कोई समय ऐसा नहीं होता इंसान नीचे रहे। मेहनत करी है यार, बहुत मेहनत करी है यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैंने बहुत मेहनत करी है यार। मतलब जो कुछ भी आज हूँ, जो आप सब मेरे को देख रहे हो, गाड़ी में घूम रहा हूँ या फलाना बम्बई रह रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है, दुनिया में पहचान है, बहुत मेहनत करी है यार, बिना मेहनत के नहीं होता। मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, आके आप यहाँ पे स्ट्रगल करके दिखाओ। पैसे को क्या करना, जो मनोबल, जो गुदा चाहिए ना, वो भगवान ही देता है यार, भगवान ही देता है। तो चलो गाइस, आज के लिए बहुत बातें होगी, अब जिम चलते हैं, मेरा आज मूड था आप सबसे बातें करने का, तो चलो चलते हैं जिम।
सो गाइस ये मेरी स्मूदी हो गई है तैयार। इसमें मैं डालता हूं बनाना, स्ट्रॉबेरीज, ओट्स, थोड़े डिब्बिया दही। भाई बहुत बढ़िया चीज है, स्ट्रॉबेरीज तो इतनी अच्छी है ना बॉडी के लिए, मैं बता नहीं सकता। जैसे ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ऐसे ये वाली ब्लू स्ट्रॉबेरी है। सो भाई जिम तो आपने देख ही लिया होगा, फास्टिंग कर रहा हूं, बॉडी पूरी डेफिसिट पे है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैट है बॉडी से वो सब उतर रहा है। अब थोड़े दिनों तक मेरे ऊपर ले तो एब्स और ओब्ली ये सब आने शुरू हो गए हैं, ये आपको दिखाऊंगा जब मैं पूरा हो जाएगा काम। और वैसे भी इंसान को घर का खाना ना मिले तो वैसे भी वो पतला हो ही जाता है, उसका सिस्टम ऐसा बन ही जाता है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं कुछ भी खा लूंगा ना, अब मतलब मैं कुछ भी खा लू हफ्ते में एक बार, मेरे को वो लगेगा ही नहीं। ऐसी बॉडी पंजाब में नहीं बन सकती, क्यों? एक वहां का पानी भारी है, और आपको पता ही है फिर जितना ही 8 बजे नहीं चलो बाहर आ लो खान। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਗੂਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ। ਚੰਗਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਾਇਸ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਲੜਤਾ ਮੈਂ ਤਭੀ ਹੂੰ ਜਬ ਸਿਰ ਸੇ ਪਾਣੀ गुजर जाए और मैं डूबने लगूं और मुझे सांस आने में दिक्कत होने लगे क्या होता है मतलब। हाँ जब तक सांस चल रही है पानी सिर तक नहीं आया, कोई बात नहीं सुलझा लो मसला आराम से। सो गाइस 12 बज गए हैं, देखो मार्केट पूरी खुली पड़ी है। मेरे को हुआ कि यार चल खाना खा के एक आधा राउंड मार लेता हूँ। एक्चुअली यार मेरे को ना हवा भरवानी थी और गाड़ी में तेल फुल कराना था, मेरा वॉलेट ही घर पे रह गया। गूगल पे मैं यूज नहीं करता, वो दिक्कत आ रखी है थोड़ी, तो इस वजह से गूगल पे मैं बहुत कम यूज करता हूँ। बाकी रौनका वन हुई हुई इदा लग रहा जिदा इतने दिवाली है ब्रदर्स। रंग सारी गुलाबी नरियारे, बट ये है कि गेड़ी मार के यार नजारा आ जाता। अपना साथी संगी कोई है ही नहीं आज, शुभम दिल्ली गया हुआ है, अभिषेक शूट पे है, प्रतीक भी कहीं गया हुआ है, पता नहीं। तो मेरे को था कि यार चल एक गेड़ी मार के आते हैं यार, 2 दिन से जिम से घर, घर से जिम चल रहा सिस्टम। सोया चल काला साइड ते हूं मैं। सो गाइस करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। बिच लग जल्दी फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। नज़ारा आ रहा है बहुत, चैनल सब्सक्राइब करते रहे, ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, बढ़िया चल रहा है सिस्टम। मतलब जो यूट्यूब स्टार्ट करने के 1 महीने बाद मेरा जो स्टूडियो था यूट्यूब स्टूडियो, अब यूट्यूब स्टूडियो देख के मज़ा आता है क्योंकि पूरा सिस्टम बांध दिया आप सबने।
तो चलो करते हैं यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी।